एक शहीद ही ने मेरा उसने सवाल किया कि काबा की तरफ हम रुख करते हैं या काबा की इबादत करते हैं। मैंने कहा हम रुख करते हैं काबा की तरफ। वो कहते हैं मैं तो यही समझता रहा काबा की इबादत करते हैं, हम इधर करते हैं, तो हम काबा की इबादत नहीं करते। ये बात मुझे तस्लीम करनी थी। अगर काबा की इबादत मकसूद होती तो फतह मक्का के दिन हजरत बिलाल हबशी को हुक्म ना दिया जाता कि काबा को उधर चढ़े। अगर बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला को हुक्म दिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के दिन, उन्होंने सवाल किया या रसूलल्लाह अजान देनी है किस तरह मुंह करके, तो फरमाया काबा की छत पे चढ़ो और मैं मोहम्मद की तरफ मुंह करके अजान दूंगा। सुभान अल्लाह। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतला भी दिया कि हम पत्थरों के पुजारी नहीं हैं, पत्थरों के पुजारी नहीं है, ये रुख इख्तियार किया गया है कि काबा की तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन शहीदा अल्लाह के हुजूर करने वाले, शहीदा खालिक कायनात को करने वाले हैं,